हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं दोस्तों, जो अपना बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेंथ जहाँ से स्टार्ट होती है उनकी बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या होते हैं, यानी रसायन विज्ञान की जो मूल अवधारणाएं होती हैं वो क्या क्या है। तो इसमें अंदर हम बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें होती है जो एग्जाम्स में भी पूछी जाती है उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला तो अपना है इसमें कि साइंस, एक शब्द आता है साइंस, यानी जो विज्ञान होता है वो क्या है। सबसे पहले तो यानी जो अपनी केमिस्ट्री आती है वो किस में आती है, साइंस में आती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या है, किसी भी एक क्या करना हमारे को पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है या जो विषय होता है उनको संगठित क्रमबद्ध तरीके से क्या करना हमारे को उनके बारे में स्टडी करनी रहती है, वो क्या कहलाती है आपकी, विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान क्या है, विज्ञान में किसी भी विषय का क्या करते हैं क्रमबद्ध संगठित उनकी जो अवधारणाएं होती है उनकी स्टडी की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, विज्ञान बोला जाता है। फिर विज्ञान में अपना क्या शब्द आता है दोस्तों, केमिस्ट्री। क्या आता है, केमिस्ट्री। क्या आता है कि केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान होती है वो क्या होती है। तो रसायन विज्ञान क्या होती है, जो आपके परमाणु होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों अपनी केमिस्ट्री में सबसे छोटा क्या होता है, परमाणु होता है और वह अणु। परमाणु के द्वारा क्या मिलता है दोस्तों, अणु का निर्माण होता है। यानी विज्ञान की वह शाखा, किसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु तथा अणु के पदार्थों के गुणधर्म, उनकी संरचनाएं, उनके संगठन, उनके वो जो अपनी केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें परिवर्तन, इन सभी चीजों का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं साइंस के उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोला जाता है। या कहने का मीनिंग ये है कि केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत परमाणु तथा अणु की अवधारणाओं को क्या किया जाता है दोस्तों, स्टडी की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री शब्द बोला जाता है। और केमिस्ट्री में अपना एक कीमिया, एक शब्द है कीमिया। क्या दोस्तों, कीमिया। इससे क्या हुआ है, बना हुआ है, किनसे बना, अपना जो केमिस्ट्री शब्द किनसे बना है, कीमिया शब्द से बना है। और ये क्या अपना एक जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उनका क्या है कि वर्ड है, किसका है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है कीमिया, जिसके द्वारा क्या बना हुआ है, केमिस्ट्री बना हुआ है। और इसका जो कीमिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है, काला रंग। कीमिया का मीनिंग क्या है, काला रंग। जो अपना एक मिस्र देश है, क्या दोस्तों, मिस्र देश, उसकी जो मिट्टी होती है सोयल है उसका कलर कैसा है दोस्तों, काला है। कैसा है, काला है, यानी ब्लैक है। तो उस ब्लैक मिट्टी के लिए कैसा शब्द यूज किया गया था, कीमिया शब्द यूज किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो केमिस्ट्री शब्द है वो किनसे बना, अपना कीमिया सबसे ही बना है, जो कहां किसका है, ग्रीक लैंग्वेज का है। मिस्र देश की काली मिट्टी होने के कारण उसका नाम क्या था, कीमिया बोला जाता था। इसलिए हमारे केमिस्ट्री का किसका, किससे उद्घाटन हुआ है, कीमिया सबसे उद्घाटन हुआ है। ये तो कुछ केमिस्ट्री के शब्द, केमिस्ट्री किस किस की स्टडी होती है, किसका बना हुआ होता है और केमिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है। ये तो थे अपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर बात करते हैं कि जो अपनी केमिस्ट्री होती है उनकी शाखाएं कौन कौन सी है, यानी शाखाओं के बारे में जो शाखाएं होती है उनकी स्टडी करांस, जो आपकी ब्रांचेज होती है, यानी शाखाएं। कहने का मीनिंग है कि जो रसायन विज्ञान होती है केमिस्ट्री होती है उनमें कौन कौन सी शाखाएं, कौन कौन सी ब्रांच है। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन बोला जाता है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है दोस्तों, उसके अंतर्गत केवल और केवल किसका स्टडी की जाती है, जो कार्बन होता है, कार्बन तथा कार्बन से बने हुए यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन, जिसमें क्या होता है, केवल और केवल कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड अपनी इनऑर्गेनिक, इन
ऑर्गेनिक, जिसको क्या बोलते हैं, एकार्बनिक बोला जाता है, एकार्बनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है, कार्बन को छोड़कर, किसको, कार्बन को छोड़कर, यानी कार्बन के अलावा जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है दोस्तों, उनके द्वारा बने यौगिकों का स्टडी किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। ऑर्गेनिक में किसकी कर रहे हैं, केवल कार्बन की, इनऑर्गेनिक में किसकी कर रहे हैं, कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है उनके द्वारा बने कंपाउंडों का स्टडी किसमें की जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थर्ड नंबर है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, कौन सी है दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री। कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, जो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है इनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, यानी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, इन सभी चीजों की स्टडी जिस ब्रांच में भी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन बोला जाता है। यानी किसके द्वारा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, इनका वो संगठन है, उनकी स्टडी किसमें करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है। फोर्थ नंबर है अपने एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी जो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, जो खेती बाड़ी करते हैं, यानी जो भी फसल वगैरह होती है उनके अंदर किसकी स्टडी की जाती है, जो स्टडी करते हैं साइंस रिलेटेड वो किसमें करते हैं, अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में की जाती है। यानी जो प्लांट्स है उनकी स्टडी किसमें करते हैं, अपने एग्रीकल्चर में, यानी जो खेती से संबंधित जो भी हमारे को क्या करना है, जिसकी स्टडी करनी है कि इसमें कौन कौन से रसायन है, क्या उसमें कौन से संगठन है, उनकी स्टडी किसमें करते हैं, एग्रीकल्चर में की जाती है। फिफ्थ नंबर अपनी बायोकेमिस्ट्री, क्या है दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होती है, जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग ये होता है, जो एक तो ह्यूमन आता है या तो पशु वगैरह होते हैं, तो प्लांट्स वगैरह होते हैं, यानी बॉटनी और जूलॉजी की जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है दोस्तों, अपने बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। कहने का मतलब जो जीवित चीजें होती हैं उनकी स्टडी किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, यानी ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, इन सभी की स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। सिक्स नंबर अपना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी जो औद्योगिक जो रसायन होती है, तो औद्योगिक रसायन में क्या होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वो किस प्रकार बन रहे हैं, उसको कितनी मात्रा में उसको डालना है, उसका संगठन कैसा है, कौन कौन से कंपाउंड उसमें मिलाने हैं, तो उन सभी चीजों की स्टडी किसमें करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यानी औद्योगिक रसायन में की जाती है। किसमें की जाती है दोस्तों, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की जाती है। यानी कोई भी अगर जो हम क्या कर रहे हैं, किसी का भी अगर फॉर्मेशन करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, हम घर पे तो ऐसा सामान बनाते नहीं है, तो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, अगर हमारे को क्या करना है, कोई ये मान लीजिए हमारे को क्या बनाना है, ये मार्कर ही बनाना है, तो इसमें कितने प्लास्टिक डालनी है, कितने इसमें कौन सा कलर डालना है, कितना कौन कौन से इसमें केमिकल डालना है, वो सभी किसमें स्टडी करते हैं, उसकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की जाती है। नेक्स्ट अपना सेवन नंबर है जो अपना न्यूक्लियर केमिस्ट्री, कौन सी दोस्तों, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर में क्या होते हैं, जो नाभिक के जो रसायन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नाभिक के रसायन बोला जाता है। तो नाभिक के रसायन में क्या करते हैं, जो आपके नाभिक के न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है उनकी स्टडी किसमें की जाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। यानी जो परमाणु होते हैं उनके नाभिक से रिलेटेड जो भी हमारे को एनर्जी का जो सोर्स होता है, जो चेन रिएक्शन होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, नाभिक के विखंडन है, या नाभिक के जो संलयन जो अभिक्रिया होती है उनकी स्टडी किसमें की जाती है दोस्तों, अपनी
न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही की जाती है। और एट नंबर अपने इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी जिसको क्या बोलते हैं विश्लेषकी, क्या बोलते हैं विश्लेषक रासायनिक बोला जाता है। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है कि अगर कोई भी कंपाउंड हो उसको हमारे को अंदर से खोलकर देखना, उसका क्या करना हमारे को दोस्तों विश्लेषण करना है, यानी उसको चीर फाड़ करनी है कि वो कौन से एलिमेंट के द्वारा बना है, कितना उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट है, वो क्या होती है अपनी एनालिटिकल विश्लेषक रसायन होती है। तो उसका स्टडी किस में की जाती है, एनालिटिक केमिस्ट्री में की जाती है। तो ये कुछ प्रकार की क्या होती है केमिस्ट्री होती है, सभी को आपको बता दिया ऑर्गेनिक सभी में कौन से एलिमेंट से या ऑर्गेनिक किसकी स्टडी होती है, इनऑर्गेनिक किसकी होती है, बायोकेमिस्ट्री में इनकी स्टडी की जाती है। तो ये थी अपनी केमिस्ट्री की कुछ ब्रांच शाखाएं। इसके बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों जो अपना पदार्थ होता है मैटर, या जिसको द्रव्य भी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं द्रव्य मैटर, क्या होता है दोस्तों द्रव्य। द्रव्य बोल सकते हो या पदार्थ बोल सकते हो, तो वो क्या होता है मैटर, क्या होता है जिसमें क्या होता है कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तथा वो क्या करता है स्थान घेरता है, तथा हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है यानी आंखों के द्वारा उनको आसन से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है अपना पदार्थ या मैटर कहलाता है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरते हो तथा जिनका हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों अपना मैटर कहलाता है। फिर बात करते हैं तो इसकी भौतिक प्रकृति होती है, किसकी मैटर की भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति के आधार पर जो मैटर होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, कितना होता है थ्री टाइप्स का होता है दोस्तों अपना, पहला अपना सॉलिड, सेकेंड अपना लिक्विड, थर्ड अपना गैस, यानी ठोस द्रव और गैस, यानी जो पदार्थ होता है उनको भौतिक प्रकृति के आधार पर कितने टाइप से होते हैं थ्री टाइप के। पहला क्या है सॉलिड, सो सॉलिड में क्या होते हैं जो कण होते हैं, यानी पदार्थ में उपस्थित जो भी कण होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही पास पास में होते हैं, क्या होते हैं पास पास में होते हैं, तथा इनका आकार व आयतन क्या होता है दोस्तों, आकार व आयतन क्या होता है दोस्तों इसका निश्चित होता है, क्या होता है दोस्तों आकार और आयतन निश्चित होता है, तथा कणों के बीच में जो जगह रहती है वो बहुत ही कम रहती है, यानी बहुत ही पास पास होते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपने सॉलिड कहलाते हैं। जैसे इसके सॉलिड के एग्जाम्पल है जितने भी मेटल है धातुएं हैं वो क्या किसके एग्जाम्पल अपने सॉलिड का एग्जाम्पल है। सेकेंड अपना लिक्विड, सॉलिड में क्या हो जाएंगे लोहा है पित्तल है तांबा है जिंक है, ये सभी केस में आते हैं सॉलिड में, पत्थर वगैरह है ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल्स। सेकंड बात है लिक्विड है, तो इसमें जो आकार होता है वो तो क्या रहता है एक होता है अपना आयतन, तो आकार तो क्या रहता है इसका निश्चित रहता है, लेकिन जो आयतन होता है वो जिस हमारे को जिस बर्तन में हम डाल देते हैं उसका क्या कर लेते हैं वो सॉरी आयतन तो इसका क्या रहता है फिक्स रहता है, जबकि आकार क्या होता है जिसमें अभी डालते हैं उसी का क्या कर लेते हैं वो आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगर गिलास में डाले तो गिलास का आकार ग्रहण कर लिया, अगर बड़े बीकर में डाले तो आकार उससे यानी आकार अनिश्चित रहता है, आयतन क्या रहता है फिक्स रहता है, वो क्या कहलाते हैं द्रव्य कहलाते हैं। उसमें जो कणों के जो बीच में जो जगह रहती है वो बहुत सॉलिड की बजाय क्या होती है थोड़ी ज्यादा होती है, और गैस की बजाय कम पाई जाती है, दोनों के मीडियम में जो पाया जाता है वो क्या होता है लिक्विड होता है, जैसे दूध है दही है छाछ है या अपना पानी है, ये सब किसके एग्जाम्पल है अपने लिक्विड के एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं किसकी गैस की, तो इसका तो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं, दोनों क्या होते हैं दोस्तों अनिश्चित होते हैं, किसका गैस का, और उनके जो कणों के बीच में जो जगह रहती है वो बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर पाए जाते हैं। जैसे हमने इस कमरे में क्या किया परफ्यूम रख दिया, तो जो परफ्यूम की जो गैस होती है वो क्या होती है तुरंत ही पूरे कमरे में फैल जाती है,
तो वो क्या अपना गैस के कारण है, गैस के जो बीच में जो जगह रहती है पार्टिकल्स की वो बहुत ही अधिक रहती है। आकार और आयतन दोनों क्या है अनिश्चित, यानी कहीं पर भी कोई का फिक्स आकार नहीं है, नहीं कोई इसका आयतन होता है। वो होती है अपनी गैस, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन फ्लोरीन सब क्या होती है गैसेज होती है। तो ये थे भौतिक प्रकृति के आधार में मैटर के थ्री टाइप, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों के एग्जाम्पल्स हो गए। तो इतनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।